हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है ये डीएलसी का गेम प्ले, राइज ऑफ द टॉम राइडर बाबा यागा डीएलसी का। तो लास्ट पार्ट में हम नदिया के साथ यहाँ आए थे, इस जगह में विच का प्लेस है, और हमारा विच के साथ फाइट होने वाला है क्योंकि मिशन का नाम है डिफीट द विच। और देख रहे हो यहाँ पर इतने सारे सप्लाई है, तो ब्रावो टीम मिसिंग सोल्जर यहाँ है, सब मरे हुए हैं सब। तो इतना सारा कोई सा भी सप्लाई, अगर मतलब कोई सा भी गेम हो और इतने सप्लाई मिल रहे हैं हमें, तो पक्का है कि बॉस फाइट होगा या बहुत खतरनाक दंगल होने वाला है। यहाँ पर गिर गए हम, ऐसा स्वाम्प जैसा जगह है, चल के देखते हैं। I need that last antidote. फिर से हेलुसिनेशन चालू हो रहा है, हमें एंटीडोट यूज करना पड़ेगा। जाके करते हैं यहाँ पर। This is the last of it. खत्म, आखिरी उम्मीद हमारा। इतना तोर जैसी विच है। When you are dead, you too shall serve. Taro etana ko nae ko nae ko nae. The just men. मैं भी मानता हूँ, लारा को बोल रही है किल लोग, बस आदमी है यही होंगे, आधे सोल्जर कुमारी होगी, आराधे को यूज कर रही है यहाँ पर। हेलुसिनेशन के कारण हमें इतने भयानक टाइप के दिख रहे हैं लोग, जो भी बने हैं इन लोग विचक्राफ्ट वाले। वो इलेक्शन का पावर, इतना पास से पड़ा, मरना ही था उसको, लग रही है भाई बहुत डैमेज कर रही है। तो इसको बस शूट करके नहीं मार सकते, उसके जो भी है अच्छा खींच भी नहीं सकते उसको, एंकर के बाजू में जाके शूट करना पड़ेगा, मैं दूर था इसलिए नहीं हो पाया। रस्सी काट रही है भाई, मैं ढंग से नहीं कर पाया इस बार, मैं एकदम एंग्शियस हो गया हूँ यहाँ पर इस सीन में, डर लग रहा है कैसे मार पाऊँगा, क्या है फिर से शूट करने का है, लेकिन बार बार मिस कर जा रहा हूँ मैं। ऊपर से इसका डैमेज भाई बहुत परेशान करती है। रस्सी काट रही है विच पागल, बकरा सर वाली। अच्छा हुआ डैमेज हुआ उसको, आई होप हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं लेकिन हुआ ही होगा, क्योंकि ये वेल बंद हो गया जहाँ से हमारी गैस आ रही थी। गैस आती तो हो सकता है नहीं होता डैमेज, या फिर वो रीयूजेबल था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इतना एंग्शियस होकर शूट कर रहा हूँ मैं, बराबर नहीं लग रहा है उसको। ये सब बॉस ना हार्ड नहीं है लेकिन ना अनोइंग है, ये बॉस जो है अपन देख रहे हैं अभी, इसको विच है, जो भी विच ही बोलेंगे इसको क्योंकि वो उसी नाम से बोलते हैं सब। तो ये बॉस हार्ड नहीं है, अनोइंग है ज़्यादा, हार्ड कहने इसको सही होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, मेरे को नहीं लगता सही होगा। लगा अब मजा आया, और ऊपर चले गए भाई, ये क्या हो रहा है, पानी भर रहा है। कुछ भी उठ पटांग चीज बोल रही है। Come on, Laura, keep it together.
ध्यान दे बोल रही है अपने आप को। सही में ऐसा टाइम होना ही चाहिए, कोई ना कोई, जब कोई ना हो हमारे लिए ताली बजाने के लिए, तो हमको खुद के लिए बजाना चाहिए। ऐसा काम कर रही है लारा हमारी यहाँ पर, इसलिए मेरे को प्यार है इससे, इस कैरेक्टर से। आई मीन बहुत अच्छी कैरेक्टर है, मतलब ऐसे कैरेक्टर की वीडियो गेम में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब है वो कई सारे अच्छे कैरेक्टर है, जैसे कि गेराल्ट ऑफ रिविया है विचर सीरीज का, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इवन नेटफ्लिक्स का शो है, और बुक तो मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, उसमें भी अच्छे हैं। कुत्ते कहाँ से आ गए, भेड़िया जो भी है, ऊपर कैसे आए लोग। इंसान का तो ठीक है, बहुत काट रहे हैं, शॉटगन निकालना ही पड़ता है ऐसा टाइम में। दो एमओ आता है सिर्फ इसमें ना, ये माइनस पॉइंट है शॉटगन की, भले डैमेज ज़्यादा है। और कंट्रोलर से मेरा एम आप लोग को दिख ही रहा है कितना अच्छा है। कोई बात नहीं, अगर दूसरा गेम प्ले खेलेंगे, मतलब दूसरा गेम खेलेंगे या इसी का दूसरा पार्ट खेलेंगे, तब तक शायद आदत हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ तो मैं बोल रहा था वीडियो गेम के कैरेक्टर के बारे में, इतने अच्छे कैरेक्टर हमें काफ़ी कम जगह देखने को मिलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट कैरेक्टर है या बेस्ट प्रोटैगनिस्ट है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है, इंस्पायरिंग टाइप की कैरेक्टर है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये असलियत में ना कॉम्पिटिटर में बनाई गई है, या कॉम्पिटिटर है मान लो नेथन ड्रेक जो कि अनचार्टेड का कैरेक्टर है, और इंडियाना जोन्स, ये तीनों एक जैसे कैरेक्टर है, और भी दूसरे होंगे मेरे पास नॉलेज नहीं है उतना, लेकिन जिनका है उनका बता रहा हूँ मैं। तो हमें अभी ऊपर चढ़ना होगा यहाँ से, भाई पूरा परिवार है यहाँ पर इन लोगों का, तो हेड शॉट, ये भी हेड, और एक हेड मारेंगे, ये भी हेड, मजा ही आ गया भाई, इतना सारा हेड मारा। एक तो बीच बहुत अनोइंग है, यहाँ कुआ है, मतलब यहाँ खींच सकते हैं हम उसको ऊपर हवा में, उसके साथ उड़ क्या रहा है, साथ में कचरा वचरा उड़ रहा है, काला काला ये सब दिखाई दे रहा है हमें। मैं एम नहीं कर पाता हूँ इसको सही से, बहुत बेकार लगता है मुझे, गलती से मैप खुल गया था। ये रस्सी को कट करती है तो इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ता है, इसको विष से ज़्यादा एक वो बनती है जिसको मैं नहीं बोलूँगा अभी। अब तो डैमेज हो गई इसको, यहाँ पर गेम इन्होंने बनाया स्क्वायर इनिक्स वाले ने, बहुत ही अच्छा गेम बनाया, लेकिन कुछ चीज़ बीच में छूट जाती है इसमें, जैसे कि एफएक्स हो गया उसके कारण थोड़ा सा माइक्रो स्ट्रक्चर ये सब देखने को मिलता है जब भी, और फोलियज जहाँ होता है, मतलब इस गेम में है मोस्ट ऑफ द पार्ट में, जैसे कि जियोथर्मल वैली हो गया हमारा, जियोथर्मल वैली वैसे गेम का पार्ट है अगर आपको नहीं पता, तो मतलब गेम का एक एरिया, एक सर्टन एरिया वहाँ पर प्रोग्रेस होता है गेम, वहाँ पर घास वास मतलब फोलियज बहुत है, सीधी सी बात कहूँ तो वैसे जगह हाँ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफ़र करता है पीसी का। मैं नहीं जानता कंसोल में कैसा होता है ये सब चीज़, लेकिन वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। ये गेट नहीं खुला है अभी, तो इधर से ही जाएंगे। अच्छा ऐसा खुलेगा ही नहीं है, मतलब उधर ही से तीर मारना पड़ेगा। यहाँ चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है कैसा है। बहुत ही गलत जंप किया था मैं, खैर कोई नहीं, यहाँ से डायरेक्ट हम चढ़ जाएंगे आई होप इस साइड से। अच्छा उधर ही से डायरेक्ट चढ़ने हो जाएगा हमको, ज़रूरत नहीं है इस साइड जाने का, मेरा गलती है, बहुत नूब जैसा खेल रहा हूँ मैं पता है, खैर कोई नहीं, गेम प्ले को इन्जॉय करना, उतना भी बेकार नहीं होगा आई होप ये जब वीडियो ख़त्म होगा। और विच के साथ फाइट है तो समझ रहे हो हम मिशन कंप्लीट कर ही लेंगे। भाई 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 झाँकते हुए को मारी भाई, डर लगा मेरे को, फिर से चढ़ूंगा लेकिन मैं अभी इतना डेयरिंग है मेरे में, हम इस बार इसको मारेंगे ही, इससे क्या होगा मुझे नहीं पता लेकिन क्यों नहीं। अच्छा यहाँ पर गैस लीक हो रहा है,
अच्छा पास आएगी तो मारेंगे उसने शायद। खैर इस साइड जाके देख लेते हैं एक बार क्या है कैसा है। बहुत पास था गैस, लेकिन अगर मैं वहाँ से मारता तो डेफिनेटली डैमेज तो होता ही मुझे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बस एक आइटम था यहाँ पर, कुछ नहीं था। वापस उधर ही चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहाँ गई भाई? सामने ही है। इस बार मैं गलती करा था बहुत बड़ा, बोल्ट एक्शन ला के। अच्छा इसकी मदद से जाएंगे ऐसा। ये अब कहाँ टॉम राइडर लग रहा है, डेविल मेक राई बन गया है, पता नहीं गन वाला डेविल मेक रहा है। अच्छा गन तो होते ही है डेविल मेक रहा है, मतलब उतना खतरनाक नहीं होता ना जितना इसमें होता, समझ रहे हो आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमें इस साइड कूदने का है। नो 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 नो, फिर नीचे गिर गया, इसके चक्कर में हुआ, पहले उस पार था, अच्छा हुआ ये इधर गिरा, नहीं तो बहुत तकलीफ होता। इस साइड जाके देख लेते हैं क्या है कैसा है, कौन सा रास्ता है। ओ नो, ये मेरा गलती था, लेकिन यहाँ ऐसे गिरा। राइक ऐसा बोलते रहते हैं, कुछ भी समझ में ही नहीं आता। खैर यहाँ चढ़ने नहीं होगा हमको, तो एकदम पास वाला प्लेटफॉर्म मतलब सरफेस देखना पड़ेगा, मिल ही जाएगा आई होप हमको, क्योंकि हम पहले भी उसी से ही चढ़े थे, तो आई होप मिलना तो चाहिए, मतलब मिलेगा ही वो तो। ये रहा सामने, इससे चढ़ने हो जाएगा। हाँ हो गया, सही था मैं। अच्छा ये जगह नहीं था, दूसरा जगह था उस साइड का, वहाँ पर जो बैरिकेड लगा हुआ था। मैं यहाँ चढ़ा भी क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि इन साइड से जंप करने नहीं हो रहा है मुझे ढंग से, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पता, देखना पड़ेगा। अभी ऊपर चढ़ते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं बीच को। ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा होगा नॉर्मल पार्ट से, मेरे को पता है, क्योंकि बीच को बार बार मारो, ऊपर घूमो नीचे जाओ, ये सब अनॉइंग हो जाता है। और कौन सा गेम खेलना चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, और कोई सा भी इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव हो तो बिल्कुल ही करना कमेंट, क्योंकि यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और हेल्पफुल होगा किसी के लिए किसी भी वे में, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा इन लोगों को निपटाया था मैं यहाँ पर पिछली बार। बाप रे तीर मार रहे हैं लोग, फिर से लिफ्ट वाला सिस्टम है यहाँ पर, थोड़ा देख के करना पड़ेगा हमको। बचा लिया भाई, बचा लिया हमको हमारा भाई। क्या कर रहा है तू? बहुत बढ़िया, ऐसे लोग को ऐसी मौत मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर एक है वही कुआं, जिसमें हम ब्लास्ट कर सकते हैं और करेंगे। इसको एम करते हैं एक बार, शॉट देते हैं इसको। उसका एम भी मिस करता है, मतलब जानबूझ के नहीं लेकिन करता है। ओ नो नो नो, मेरे बात सुन ली लगता है, एम मिस करने वाला रस्सी को काटती है। ओ नो, बाजू में है तो। काट ली रस्सी, काट ली, कोई नहीं कोई नहीं, टाइमिंग से चढ़ेंगे अब, उतरेंगे आई मीन, क्योंकि नीचे है ना।
कैसा कैसा विच बनाते हैं वहाँ पर। अपनी यहाँ की विच तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब इंडियन फोक लोर सॉरी, ये तो बहुत खतरनाक होता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है वहाँ पर, क्या कार्टून जैसा लग रहा है। नहीं हुआ इसको ज़्यादा डैमेज, नहीं हुआ, नहीं तो कुआं बंद हो जाता। तो यहाँ पर पॉज करा था थोड़ा कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि बुलावा आ गया था घर वाले का। खैर कोई नहीं, सबके साथ होता है। मैं एकदम लाइव कमेंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो करता तो बहुत अच्छा बनता वीडियो लोग, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा लगे कि लाइव ही है। नहीं है लेकिन फिर भी। फिर से चले गई यार पास में, से बहुत जल्दी कट करती है, मुझे नीचे जाकर ही शूट करना होगा उसको। ये ऐसा विलन ना अनोइंग लगते हैं मुझे, ऐसा कैसे कट कर लिया यार। मतलब मुझे टाइमिंग में ही नीचे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं मरेंगी ये। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रहा है मेरा यार वीडियो में। खैर कोई नहीं, होता है, वी ऑल हैव अप्स एंड डाउन, इसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा कभी ना कभी। तो पड़ेगा इसको पक्का। मजा आया। Laura, can you hear me? Bit busy at the moment. Grandpa's awake. He says it's her, Laura. The witch is my grandmother. She's alive. Please, you can't. Maybe we can get through to her. We have to try. I'll do what I can, but we have to end this, Nadia. सुन रखती हूँ मैं, वही तो दादी विच है, मेरे को लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। दादी विच है अली बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी को भी मार दे रही है, किसी को भी हेलुसिनेट कर रही है, तो गलत है ना दादी ये, क्यों ना। लेकिन ऐसा हरकत कर रही है तो समझ सकता हूँ मैं। और जिनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको पता होगा, बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं उनके साथ, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वाली बात नहीं है, मतलब पेरेंट्स फैमिली ये सब के साथ, फ्रेंड्स के साथ अटैच रहते ही हैं लोग, तो उनको बेकार लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिटरली हम लोग हवा में उड़ रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये हार्म कर रही है मुझे और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कोई गलती है, लेकिन क्यों हार्म कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हमला वही कर रही है हर बार। बाप रे लोग यहाँ पर आ गए, मतलब हर एक फेस में, मतलब जैसे ही हम उनको मारते जाते हैं, क्या नाम है, अच्छा उतना लंबा रेंज नहीं है इसका सही से, तो मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट है इसलिए मैं यहाँ पर कट्स कम रखा हूँ, मतलब नहीं के बराबर रखा हूँ, शायद ही कट होगा इस वीडियो में, या होगा भी तो बहुत कम होगा। सब है यहाँ पर भाई, इतने सारे लोग हैं, मतलब जो भी बोल सकते हैं इनको, मरते मरते बचा, खत्म दोनों, एक ही बुलेट से मारा, देखा आप लोगों ने, अगर नोटिस नहीं करा तो देखना एक बार रिपीट करके। इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है भाई, जो भी शॉटगन नाम है इसका, ब्रेक एक्शन या जो भी नाम है, बहुत ही ताबड़ डैमेज है, ताबड़ तोड़ एकदम। भले सिर्फ 2 MO लोड होता है लेकिन ठीक है। बहुत सही, चेंजिंग गन इज फास्टर देन रीलोडिंग, पबजी का टिप था है, मतलब हर मल्टीप्लेयर गेम का टिप है। मल्टीप्लेयर क्या है, सिंगल प्लेयर में भी काम आ रहा है, जैसे हमको भी आ रहा है काम।
अब हमें अगला कुआं ढूंढना है। कहाँ है? अच्छा यही है। नहीं नहीं कुआं नहीं है यार, इतना ऊपर आ गई है, पहले बहुत नीचे थी। बम मत फेंक देना, अब मैं गिर जाऊंगा, बम फेंक देगी तो। हट, इधर जाना है मतलब ना, वीडियो गेम का एक चीज अच्छा है, जहाँ एनिमी दिख रहे हैं वहीं जाना है। रियल लाइफ में भी सही है, बस गन लेके नहीं आते हैं एनिमी, और इतना खतरनाक नहीं होते, रियल लाइफ में मोर लाइक राइवल होते हैं एनिमी वर्ल्ड से। फिर से कुत्ते भेड़िए आ गए वहीं, जाओ यार तुम लोग जाओ, मर जाओ, पीछे से आ गया। कैमरा हिल गया था मेरे से गलती से, एकदम हिप फायर देने का कोशिश करते हैं क्राउच करके, लेकिन क्या ही एम कर लेंगे यार, क्या ही एम कर लेंगे। सामने देखना भी चाहिए, मैं हूँ, मौत आ गया, उल्टा चले जाना चाहिए भागने से अच्छा। तो यहाँ हमें कुआ मिल चुका है, तो इसको यूज करेंगे अभी हम लोग। देखते हैं क्या यही लास्ट है या और भी ऊपर जाएगी। आई होप लास्ट हो, और ऊपर जाना नहीं चाहता मैं। और ऊपर से यहाँ पर इतने सारे पत्थर वगैरह उड़ते रहते हैं ना, एमिंग डिस्टर्ब कर देते हैं, ये सब चीज़ डिस्टर्ब और डिफिकल्ट कर देता है। एक बार मारने का रहता है उसको, ताकि वो अंदर चले जाए, अंदर चले जाने के बाद एक चीज़ आसान हो जाता है। मुंह में पड़ा सीधा उसका बॉम्ब, जो भी है बॉम्ब बोल सकते हैं, ख़त्म। उसका बाल्टी, उड़ने वाला बाल्टी जो भी था टूट गया, अच्छा हुआ, बहुत परेशान करी। अच्छा यही है, इतनी दादी है फिर भी इतना दिमाग तेज, भले पागल है। Stop. हिंदी बोल। No more. I know who you are. I can only imagine what you've gone through to stay alive. You have no idea. नहीं है। It's over now. You don't have to live like this anymore. Serafima. Edoti. But you died. They told me you died. Will she be all right? I don't know. But it won't be easy for any of you. Family never is. Oh, I know. I know. Thank you, Laura, for everything. दादी से मिल लिए, दादी ही चुड़ैल थी, ऐसे कुछ एक्सपेक्ट तो कर रहा था मैं, लगा था ऐसा कुछ होगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा पागलपन हरकत करेगी वो टॉर्चर और इस मेंटल ट्रॉमा के कारण, तो ठीक है, मतलब हो सकता है रियल में भी ऐसा कुछ। नए नए सामान अनलॉक हुए, मतलब वेपन, तो ड्रीम स्टिंगर नाम का एक वो अनलॉक हुआ है, लेकिन मेरे को मेरा फेवरेट वो मैं जो यूज़ करता हूँ वही है भाई, डेथ्स ब्रेथ मेरा फेवरेट है। और अगर आप लोग अगर खेलते हो या अलग गेम तो एक बार यूज़ करके देखना। Yvonne dreamed of killing the witch to get revenge for his lost love, but they were the same woman all along. That wound he nursed for decades won't heal overnight. They're survivors. We all are. But it will be difficult. It will feel impossible some days, I know. At least they'll have a fighting chance now that we know the truth. It may not be enough, but it's a good start. स्टोरी ठीक थी इसकी डीएलसी के लिए के हिसाब से, छोटा सा ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो गया गेम प्ले वीडियो, मैं जानता हूँ। तो ट्रॉमा के कारण ऐसा बिहेव करना चालू करी दादी, ऐसा टेल बनाई अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए वहाँ पर, उन जब भी रशियन वाले या जहाँ भी गुलेग वाले ले गए थे, रशियन लोग ही बोल सकते हैं,
तो उनसे बचने के लिए। तो ठीक है, अच्छा स्टोरी था, अच्छा लगा मुझे। आप लोग को मज़ा आया कि नहीं कमेंट कर कर बताना, और जल्दी से जल्दी मैं दूसरा गेम प्ले सीरीज लाने की कोशिश करूँगा। ये लास्ट पार्ट था, तो अगर सब पार्ट देखे तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो भी ठीक है, देख लेना, अच्छा है, चैनल में है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। It's easy, take it slow.